और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि बुंदेलखंड के साथ पूरे प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़े। इसके लिए झांसी और बांदा में रिसर्च सेंटर बनाए जा रहे हैं। श्री अन्य के साथ कैसे स्वास्थ्य बेहतर हो, इस मुद्दे पर भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे वह अधिक से अधिक श्री अन्य का उत्पादन कर सकें। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को भी बल दे रही है और हम लोगों ने अभी बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी को एक प्राकृतिक खेती के लैब लगाए जाने के लिए हमने उनको अनुमति दिया है और उसके लिए पैसे की स्वीकृति पर सहमति प्रदान की है। इसी प्रकार से बांदा कृषि विश्वविद्यालय को भी प्राकृतिक खेती के लिए एक एनएवीएल स्टैंडर्ड लैब, इन दोनों को स्टैंडर्ड लैब बनेंगे जो उनकी ऑर्गेनिक की पूरी टेस्टिंग करेंगे प्राकृतिक खेती की, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उस तरीके के ये हमारे लैब वहां पर बनेंगे। लगभग दोनों जगहों को मिलाकर के 25 करोड़ रुपया झांसी और बांदा के लैब को मिलाकर लगभग 25 करोड़ रुपया व्यय होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि साल डेढ़ साल के भीतर वो लैब हमारा फंक्शन करने लगेगा, जिससे व्यवहारिक कठिनाइयां जो प्राकृतिक खेती के किसानों को आती थी टेस्टिंग की, उसका हम लोग समाधान कर सकेंगे।